हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो में जो है मैं कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जो कई लोगों ने कई दिन से पूछ रहा था। तो मैं जो JCI जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो है हमारे पास कई दिन से कई सारे क्वेरी आ रहे थे कि इसकी कम्प्लीट वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस, यहाँ पर जो है मैं कम्प्लीट वीडियो आके लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे जो मैं कुछ टॉपिक बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, इसमें बात करेंगे हम फॉर्म शेड्यूल्स के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस, नंबर ऑफ वैकेंसी और साथ में जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एग्जाम बटन और एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 के लिए। तो आज इसी वीडियो में सारा पॉइंट डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे गाइस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो है इसके मेन टॉपिक के लिए, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन जो कंडक्ट कराती है जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कराती है, इसमें कई सारे पोस्ट निकल के आई हैं। मैं पोस्ट भी बताऊँगा कौन कौन से पोस्ट हैं। एक कोई पूछता है प्राइवेट जॉब है, कोई कहता है सरकारी जॉब है, एक आई जो है सरकारी गवर्नमेंट जॉब है। इसमें कोई जो है दो पार्ट थर्ड पार्टी का कोई लेन देन नहीं है, ओनली वो गवर्नमेंट जॉब है। इसमें जो है वैकेंसी जो है 90 आई है। इसके जो है एप्लीकेशन स्टार्ट 10 से लेकर 30 सितंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आज के टाइम में वो फॉर्म फिल किया जा रहा है। जो बंदे अगर नहीं फिल किए होंगे तो जो इंटरेस्टेड होंगे वो फिल कर सकते हैं। और साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा डिग्री का डिमांड किया गया है। और सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होता है। इसमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए विजिट कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे गाइस इसके जो है वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए 25 वैकेंसी आई है, अकाउंटेंट के लिए 23 और जूनियर इंस्पेक्टर के लिए 42 और टोटल ऑफ वैकेंसी 90 आई है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट के लिए जो डिमांड किया है ग्रेजुएट और जो इक्वालेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एक्सपीरियंस इन यूजिंग द कंप्यूटर एमएस वर्ड और एक्सेल, मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो 40 WPM इन इंग्लिश, यानी मिनिमम आपका जो 40 जो है प्लस WPM स्पीड होनी चाहिए जूनियर असिस्टेंट के लिए। अकाउंटेंट के लिए MCOM होना बहुत ग्रेजुएट इसमें जरूरी है, इसमें MCOM होना आपको जरूरी है अकाउंटेंट के लिए। अगर आप जो है MBCOM भी किए हैं तभी जो है कोई बात नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसके थ्रू आप इसमें अकाउंटेंट में जा सकते हैं। फिर हम जो है जूनियर इंस्पेक्टर की बात करें तो इसमें अगर आप 12th पास हैं और आपके पास 3 years का एक्सपीरियंस है सिलॉफेर जूट ग्राइंडिंग और सोल्डिंग के लिए, तो सिंपली जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस, जो भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करते हैं। और साथ में अगर मैं बात करूं इसके जो है एग्जाम कंटेंट के बारे में, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं और टाइपिंग ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं 100 होते हैं और टोटल मार्क्स आपका 100 होता है। मार्क्स ऑफ ए करेक्ट आंसर +1 पर करेक्ट आंसर होते हैं। मार्क्स फॉर द इनकरेक्ट आंसर नो नेगेटिव मार्किंग, कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और साथ में एग्जाम लैंग्वेज जो है बिलिंगुअल इंग्लिश हिंदी होते हैं। एग्जाम ड्यूरेशन 120 मिनट्स हो जाएंगे। JCI रिक्रूटमेंट 2024 एप्लीकेशन फी जनरल EWS OBC ESM का जो है एप्लीकेशन फी जो है ₹250 है। PWD SC ST का जो है कर एक्सेप्टेड है। जैसे ऑल पोस्ट 2024 के लिए बात करें तो जूनियर असिस्टेंट के लिए बात करें तो ग्रेजुएट इक्वालेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस इन द यूजिंग कंप्यूटर्स, ये तो मैंने इसके क्वालिफिकेशन का बता दिया है। इसकी सैलरी के बारे में बात करें, कई सारे कैंडिडेट कम से कम हमारे पास 20 कमेंट आए थे जो JCI की सैलरी के बारे में पूछ रहे थे, क्या हमें जॉब में अच्छी सैलरी पा सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे गाइस जो है मैं बात करूँगा जो है आपकी स्टार्टिंग सैलरी से लेके आपके लास्ट पोजीशन की सैलरी तक। ओके गाइस, तो अगर मैं जूनियर असिस्टेंट की बात करूँ तो यहाँ पे जो है 21,500 रुपये से स्टार्ट होके 86,500 रुपये तक इसकी लास्टिंग सैलरी है। अगर आप ज्वाइनिंग करेंगे स्टार्टिंग में तो आपको जो है इतना ही प्रोवाइड की जाएगी। और फिर साथ में जैसे एक्सपीरियंस आपके पास हो जाएगा तो इसी के अकॉर्डिंग से आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। और फिर जूनियर इंस्पेक्टर में भी यही जो है रूल्स है कि स्टार्टिंग पे इसमें सैलरी जो प्रोवाइड किया करेगी गवर्नमेंट 21,500 रुपये
और जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका इंक्रीज होता चला जाएगा, साथ में इसी के अकॉर्डिंग से आपकी जो सैलरी जो है अब बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे जो लास्टिंग जो प्रोसेस में एंड सैलरी हो रही है 86,000 पर मंथ। अकाउंटेंट का जो है कुछ ज़्यादा है इसमें, अकाउंटेंट का बेसिक जो है 28,600 रुपये है और लास्ट जो है 1,15,000 रुपये तक उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो इस टाइप जो है गाइस JCI की जो है सैलरी है। कई सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन में थे कि इसकी सैलरी कितनी मिलती है, तो गाइस इसकी सैलरी इतनी मिलती है मैं आपको बता चुका हूँ। इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करें तो इसमें JCI का जो है UR का 83 से जो है 89, DWS का 81 से 86, OBC का 75 से 80, SC का 65 से 70 और ST का 60 से 70 तक इसके जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकते हैं। जो भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है वो सिंपली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट, नए टिप्स और नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।